गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडी जी। एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नए सब्जेक्ट के साथ, एंड दैट इज पावर प्लांट इंजीनियरिंग। सो आई थिंक ऑल इज गुड, साउंड क्वालिटी प्लीज चेक, ऑल ओके। सो बिल्कुल वही फॉलो करेंगे जो हमने कल फॉलो किया था। मैं सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन दिखाऊंगा, देन आई विल गिव यू अ 15 सेकेंड टू टेक अ स्क्रीन शॉट, फिर आप अटैम्प्ट करेंगे, मैं उसको सॉल्व करूँगा, बाद में हम लोग आंसर वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है माई डियर। सो बिना टाइम वेस्ट किए बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। हर टॉपिक से मैंने एक एक क्वेश्चन उठाया है, जहाँ तक कोशिश करिए कि सारा कुछ कवर हो जाए। सो माई डियर, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ पावर प्लांट इंजीनियरिंग। ये रहा आपके सामने, सो टेक अ स्क्रीनशॉट गाइस। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, रैंकाइन साइकिल से मैंने उठाया है, कुछ इन्फॉर्मेटिव भी है, और जरा देखते हैं इस क्वेश्चन को, हाईलाइट करते हैं इसके इंपॉर्टेंट डेटास को। सो माय डियर, लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें हाईलाइट करते हैं, स्टीम पावर प्लांट इज इक्विप्ड विद अ सिंगल रीजनरेटर, इट मींस देयर इज अ सिंगल फीड वाटर हीटर। स्टीम एट इनलेट प्रेशर ऑफ 16 bar विद एंथैल्पी, बहुत अच्छी बात है, एंथैल्पी इज डायरेक्टली गिवन, इंटर्स टू द टर्बाइन। ओके, सो टर्बाइन की एंट्री की एंथैल्पी दे रखी, एंड इट इज एक्सट्रैक्टेड एट 2 bar वेयर एंथैल्पी इज 2600। तो हम जानते हैं यार, रीजनरेशन में है ना, कंप्लीट एक्सपेंशन के पहले कुछ स्टीम को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, और वहां की एंथैल्पी दे रखा है। पर मेडियर एक चीज नोटिस करो, द फ्रैक्शन द परसेंटेज ऑफ द मास एक्सट्रैक्टेड इज नॉट गिवन, कितना मास एक्सट्रैक्ट हुआ ये उसने नहीं दिया है। ठीक है, कोई नहीं, हम निकालेंगे। फिर कह रहा है एग्जॉस्ट स्टीम कम्स आउट, मतलब आफ्टर कंप्लीट एक्सपेंशन द प्रेशर बिकम्स 0.05 bar, और वहां की एंथैल्पी है 21115। ओके, इफ द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल, वाओ, थर्मल एफिशिएंसी इज गिवन, दैट इज 34%। द कंडेंसर ड्यूटी विथ रीजनरेशन इज, एक अजीब सा क्वेश्चन पूछा है, अगर आपको नहीं पता तो नहीं हो पाएगा। व्हाट इज कंडेंसर ड्यूटी, पहले तो इसको जान लेते हैं, तो मैं बोल देता हूं फिर हम लोग निकालेंगे। कंडेंसर ड्यूटी होता है कि मास फ्लो रेट मूविंग थ्रू कंडेंसर, मतलब कंडेंसर में कितना मास फ्लो रेट गया, क्योंकि जो मास सर्कुलेट हो रहा था वो पूरा तो नहीं गया कंडेंसर में, क्योंकि टर्बाइन में कंप्लीट एक्सपेंशन होने के पहले आपने कुछ एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो जितना मास फ्लो रेट कंडेंसर में गया वो भरते हैं केजी पर आवर में, और डिवाइडेड बाई पावर, मतलब मास फ्लो रेट इन द कंडेंसर डिवाइडेड बाई पावर डेवलप्ड इन किलोवाट, इसको बोलते हैं कंडेंसर ड्यूटी। सो माय डियर, लेट मी सॉल्व। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ड्रॉ करते हैं इसके लिए टीएस डायग्राम को। ओके, ठीक है, सो टीएस डायग्राम में कुछ पॉइंट्स मान लेते हैं, हम जानते हैं कि देयर इज अ रीजनरेशन केस, सो लेट दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस, 1 2 3 4। ओके, 5 6 7 एंड साइकिल इज कंप्लीटेड। ठीक है, सो जैसा कि हम सब जानते हैं, अगर हम सारे पॉइंटों की एंथैल्पीज निकाल लें रैंकाइन साइकिल में तो बहुत कुछ सॉल्व हो जाता है। तो लेट मी फाइंड आउट द एंथैल्पीज ऑफ ऑल द पॉइंट, जो जो हम पता कर सकते हैं। देखो माय डियर, एच वन इज गिवन डायरेक्टली, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच वन, एच वन इज 3000। ओके, एच टू इज अगेन गिवन एंड दैट इज 2600 किलो जूल पर केजी।
एस थ्री इज अगेन गिवन डायरेक्टली एंड दैट इज 2115. अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि सबको मालूम होनी चाहिए कि एक कंडेंसर का एंट्री कुछ भी हो, कुछ भी से मतलब है सैचुरेटेड सुपर हीटेड वेपर या वेट वेपर, लेकिन एग्जिट कंडेंसर का हमेशा सैचुरेटेड लिक्विड ही होता है. देखो यार, एक बात याद रखना, कंडेंसर का एग्जिट नहीं, ऐसी जितनी भी डिवाइसेस हैं जिसमें स्टीम एंटर हुई और वो कंडेंस हुई, रट लो, याद रख लो, उसका एग्जिट हमेशा सैचुरेटेड लिक्विड ही होता है. देखो, यहां स्टीम एंटर हुई फीड वाटर हीटर में, तो देखो 6 जो निकलेगा ना, ये 6 पॉइंट भी आपका सैचुरेटेड लिक्विड पे ही होगा. जहां जहां स्टीम इंटर होके कंडेंस होती है उसका एग्जिट हमेशा सैचुरेटेड लिक्विड होता है. और रीजन क्या है? रीजन है कि कंडेंसेशन इज अ रैंडम प्रोसेस, मतलब उसे हम कंट्रोल नहीं करा सकते. कंट्रोल का मतलब है, अगर हम स्टीम को कंडेंस कर रहे हैं और उसको हम एक बीच में ड्राइनेस फ्रैक्शन पर रोक देते हैं, रोक सकते हैं, लेकिन मैं फिर से आपसे कहूं कि उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे दोबारा से रोक दो कंडेंसेशन प्रोसेस को. ये आप कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि कंडेंसेशन प्रोसेस एक नेचुरल प्रोसेस है और हमें हर बार एक ही पॉइंट को अचीव करना होता है क्योंकि हमें एक साइकिल में काम करना होता है. इसलिए जब भी कोई चीज या स्टीम या वेपर कंडेंस होगी, एग्जिट हम हमेशा रोकते हैं सैचुरेटेड लिक्विड. सो माय डियर, क्या मैं यही कहना चाहता हूं, H4HF है एट कंडेंसर प्रेशर और H6 भी HF है एट फीड वाटर हीटर प्रेशर. सो ये डेटा हमको दे रखे हैं, आपको अगर टेबल आपने देखी हो तो आई हैव द टेबल. टेबल क्या, डायरेक्टली वैल्यू गिवन है, सैचुरेटेड लिक्विड एट 2 बार इज 505, सो दैट गिवन इज 505 एंड H4 इज 140. ठीक है. अच्छा, एक बहुत कमाल की बात है, पंप वर्क नहीं गिवन है, कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं गिवन है, क्योंकि अगर आपको वॉल्यूम दे रखा होता सैचुरेटेड लिक्विड का तो अपन लोग वी डेल्टा पी लगा के पंप वर्क निकाल सकते थे, लेकिन वो भी नहीं दिया. क्वेश्चन तो देखा है ना आपने, देखो यार, लिमिटेड डेटा दे रखे हैं, मतलब पंप वर्क निकालना इम्पॉसिबल है, आप कहीं से नहीं निकाल सकते, तब हम पंप वर्क को निग्लेक्ट कर सकते हैं. और अगर पंप वर्क निग्लेक्टेड, ऑब्वियसली यार दो पंप लगे होंगे, 4 to 5, 6 to 7, बोथ वर्क्स आर निग्लेक्टेड, इट मींस हम मान लेते हैं H6 को H7 के बराबर एंड दैट इज अगेन 505. एंड माय डियर, H5 को हम ले सकते हैं H4 के बराबर, दैट इज 140 किलोजूल पर केजी. और ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि पंप वर्क नेग्लेक्टेड. ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट क्विकली. ओके ओके, सो माय डियर, हमने हर पॉइंट की एंथैल्पीज निकाल ली. अब मान लेते हैं यार कि यहां से कोई 1 kg/s का मास आ रहा था और हमने यहां पे एक्स फ्रैक्शन एक्सट्रैक्ट कर लिया, सो रिमेनिंग पार्ट विल गो थ्रू द कंडेंसर, तो यहां पे 1 - x आएगा. एक बात है, कंडेंसर ड्यूटी आंसर होगा 1 - x डिवाइड बाई पावर. बस माय डियर, ये एक्स निकल जाए, कहानी खत्म. अब एक्स कैसे निकलेगा यार माय डियर, एक्स निकलेगा, उसने एक डेटा दे रखा है एफिशिएंसी, साइकिल एफिशिएंसी इज गिवन. सो माय डियर, अब हम लोग साइकिल एफिशिएंसी का इस्तेमाल करते हैं और साइकिल एफिशिएंसी हो जाएगी, थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल इज गिवन, नेटवर्क डिवाइड बाय हीट सप्लाइड. नेटवर्क माय डियर, टर्बाइन वर्क माइनस पंप वर्क. अब पंप वर्क तो निग्लेक्टेड है, सो हीट सप्लाइड. ओके, सो टर्बाइन वर्क, व्हाट इज टर्बाइन वर्क, और यू कैन से पावर, क्योंकि हमने 1 kg/s लिया है, तो वर्क बोलिए या पावर बोलिए एक ही बात है. सो देखिए, 1 से 2 तक कंप्लीट एक्सपेंशन हुआ, 3000 - 2600. उसके बाद अपन ने एक्स को एक्सट्रैक्ट कर दिया, सो रिमेनिंग पार्ट जो है हमारा, रिमेनिंग पार्ट जो है वो कितना बचा, 1 - x, 1 - x, और वो एक्सपेंशन हुआ है 2600 to 2115.
डिवाइडेड बाई हीट सप्लाइड. हीट सप्लाइड इज वेरी सिंपल यार, H7 to H1. बॉयलर का एंट्री है H7 to H1. H1 इज 3000 एंड H7 इज 505. एंड माई डियर दिस इज गिवन 0.34. हियर यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ X. हियर यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ X. रोहित रोहित VDP से निकाल सकते थे अगर V दिया होता तो. हियर स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड इज नॉट गिवन. सही सोच रहा है, मैंने भी बोला वही. ओके ओके ओके. सो माय डियर X की वैल्यू है मेरे पास, यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ X 0.075 केजी पर सेकेंड. सो मास इन कंडेंसर इज 1 माइनस X एंड दैट इज 0.9243. केजी पर सेकेंड. ओके सो वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट द पावर. पावर इज नथिंग बट दिस इज द वैल्यू ऑफ पावर. ये पूरा ऊपर वाला पार्ट पावर ही तो लिखा है. सो यू कैन इजिली कैलकुलेट 3000 माइनस 2600 एंड एक्स वैल्यू इज 0.075 एंड दैट इज 2600 माइनस 2115. आई हैव दिस डेटा. सो यू गॉट द पावर वैल्यू इक्वल टू 848.28 किलोवाट. ओके माय डियर, पावर निकल गया, मास इन कंडेंसर निकल गया. प्लीज टेक आई स्क्रीनशॉट क्विकली. ओके सो कंडेंसर ड्यूटी इज मास फ्लो रेट इन कंडेंसर डिवाइडेड बाय पावर. और यूनिट कैसे भरते हैं, यहां पे मास फ्लो रेट को भरेंगे अपन लोग एंड दैट वैल्यू इज 0.9243 इंटू 3600. तो इसको भर दिया अपन ने. यूनिट क्या है इसकी, केजी पर आवर. और पावर को हम भरेंगे 848.28. इसकी यूनिट अपन ने भर दी किलोवाट. नाउ यू कैन सॉल्व इजली. द फाइनल आंसर ऑफ दिस फर्स्ट क्वेश्चन इज 3.92 मेडियर. अगर किसी को कोई डाउट हो तुरंत पूछ सकते हैं आप. आई होप पहला क्वेश्चन क्लियर है आपके लिए. मेडियर फीड वाटर एनर्जी बैलेंस से आपको कुछ नहीं मिलेगा, करके देख लेना. इसलिए तो उसने एफिशिएंसी का डेटा दे रखा है. फीड वाटर एनर्जी बैलेंस आप करके देख सकते हैं, कुछ भी नहीं मिलने वाला. ओके ओके ओके, सोच सही रहे हैं लेकिन माई डियर कुछ हासिल हो, कुछ डेटा निकले तब तो फायदा है ना. एनर्जी बैलेंस से कुछ नहीं निकलना है क्योंकि आपने अजम्पशन ले लिए हैं, पंप वर्क निगलेक्ट कर दिया है इन ऑल दैट. इस वजह से एनर्जी बैलेंस से काम नहीं चलेगा, एफिशिएंसी से काम चलेगा. ओके सो आई होप दिस फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर. एनी डाउट ऑल ओके. ओके माय डियर सो लेट्स मूव टू द सेकेंड प्रॉब्लम. दिस इज सो नाउ द सेकेंड प्रॉब्लम इज दिस. प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट.
ओके माय डियर, थोड़ा सा लेंदी प्रॉब्लम है, लेकिन यार देखो एक्चुअली इसलिए उठाया कि पूरा टॉपिक कवर हो जाए, हमारा सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. सो ए सिंपल स्टीम पावर प्लांट यूज सोलर एनर्जी. ओके, इसका मतलब सोलर एनर्जी से अपन लोग स्टीम बनाने वाले हैं. द हीट इनपुट वाटर इन द साइकिल इंटर्स टू द पंप एज अ सैचुरेटेड लिक्विड, वो तो हम जानते ही हैं, एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड एंड पंप टू 2 bar, इट मीन्स बॉयलर प्रेशर इज 2 bar. ओके, द वाटर दिस प्रेशर एवोपरेट्स इन द स्टीम जनरेटर एंड इंटर्स टू द टर्बाइन एट सैचुरेटेड वेपर. इसका मतलब है द एंट्री एट द टर्बाइन इज सैचुरेटेड वेपर. ओके, एट द एग्जिट ऑफ टर्बाइन कंडीशंस ऑफ स्टीम इज 40 डिग्री सेंटीग्रेड विद ड्राइनेस फ्रैक्शन 0.9. ओके, एक्चुअल एग्जिट इज गिवन डायरेक्टली. ओके, मास फ्लो रेट इज गिवन. द इंस्टेंटेनियस सोलर इनपुट. ओके, सो दैट इज द सोलर इनपुट. कलेक्टिंग प्लेट का इनपुट हमें दिया है 0.58 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, मतलब इसमें एरिया मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता चल जाएगा कितनी सोलर एनर्जी हम गेन कर रहे हैं. ओके, ऑप्टेन द आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ द टर्बाइन. ओके, इट मींस द एक्सपेंशन इन द टर्बाइन इज इरिवर्सिबल. एंड नेटवर्क आउटपुट, साइकिल एफिशिएंसी एंड ऑब्वियसली एरिया ऑफ द सोलर कलेक्टिंग प्लेट नीडेड. सो माय डियर, एक कंप्लीट क्वेश्चन है, एक जनरली लगभग आसानी है, हम करके देखते हैं क्लियरिटी से. ठीक है, सबसे पहले मैं इसका साइकिल ड्रॉ करता हूं. बहुत ध्यान से, जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है. सबसे पहले देख लो द एंट्री ऑन टर्बाइन इज सैचुरेटेड वेपर. That's okay. And this process is not isentropic. So 1 to 2, that is turbine. 2 to 3, condenser. And 3 to 4 is pump. The cycle is completed. So this is the cycle. So first of all, आपको क्या करना है? सारे पॉइंटों की एंथैल्पी पता कर लो. ये तो पहला रूल है ना, हर पॉइंट की एंथैल्पी पता कर लो. H1, अरे बहुत अच्छे यार, H1 Hg है एट 2 bar. ओके, टेबल में दिया था डेटा. H2 हो जाएगा हमारा HF प्लस X टाइम्स HFg, पर ये लगाएंगे अपन लोग एट जो भी टेम्परेचर होगा या प्रेशर होगा. एंड दैट इज गिवन आई थिंक, एंड दैट इज गिवन 40 डिग्री सेंटीग्रेड. सो मैं डेटा लिख देता हूं यहां से, आप टेबल से देख सकते हैं. तो देखिए 2 bar पे Hg, सो दैट इज एंट्री एंथैल्पी ऑन द टर्बाइन, और ये HFg और HF इस्तेमाल होगा H2 निकालने के लिए. बहुत क्विकली निकाल लेते हैं यार इन डेटास को हम लोग. सो H1 हो जाएगा हमारा 2706.3. यहां पे मैं डेटा भर देता हूं HF. HF इज 167.53. X इज गिवन 0.9 एंड HFg इज गिवन, HFg इज गिवन 2405.97. So now you got the value of H2. So H2 value is 2332.90. Okay, so H3 we directly know, H3 is HF at condenser pressure. So HF, that is 167.53. And my dear, to find out the value of H4, we required pump work. And that pump work, we required a specific volume. V delta P again, but
अगर आप क्वेश्चन को देखें ध्यान से, वंस अगेन माय डियर, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, वीएफ की वैल्यू नहीं दे रखी, नहीं तो हम वी डेल्टा पी से पंप वर्क निकाल सकते हैं। अब यहां वीएफ नहीं दे रखा है तो कहां से लाओगे भैया, पंप वर्क भी नहीं देखो मैंने। वंस अगेन पंप वर्क इज निग्लेक्टेड, पर देखो जनरली तब करना है जब कहीं से पंप वर्क ना निकले। सो माय डियर, वंस अगेन पंप वर्क इज निग्लेक्टेड, क्योंकि जब वी डेल्टा पी से आप ना निकाल पाए तो निग्लेक्ट कर दें, मतलब H3 और H4 सेम मान लेंगे एक बार फिर से। सो सारे पॉइंटों की एंथैल्पी हमसे निकल चुकी हैं माय डियर। अब हम हीट सप्लाइड निकालते हैं और उसे बराबर कर देंगे हीट कलेक्टेड बाय दैट सोलर प्लेट। सो व्हाट इज द हीट सप्लाइड रेट, दैट इज H1 माइनस H4 इनटू मास फ्लो रेट ऑफ स्टीम। सो दैट इज हीट सप्लाइड रेट, एंड हीट कलेक्टेड बाय सोलर प्लेट इज एरिया इनटू द डेटा इज गिवन 0.58। दिस इज द हीट कलेक्टेड बाय सोलर प्लेट, एंड वी कैन इक्वेट दिस मास फ्लो रेट इज गिवन डायरेक्टली इन द प्रॉब्लम, दैट इज 150 केजी पर आवर। H1 is 2706.3, H4 is 167.53. Here you can find out the heat supplied. This is the amount of heat supplied rate, and also you can find out the area. So area value is, I have the answer, that is 182.38 मीटर स्क्वायर, एंड ऑब्वियसली वी कैन फाइंड आउट द हीट सप्लाइड रेट, एंड दैट वैल्यू इज 105.78 इन किलोवाट। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। गुड गुड आयुष, योर आंसर इज करेक्ट, वेल डन, कीप गोइंग, बहुत जल्दी से करिए इसको सॉल्व। ओके सो नाउ वी कैन फाइंड आउट द एफिशिएंसी आल्सो। सो व्हाट इज द एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इज डब्ल्यू नेट डिवाइड बाय हीट सप्लाइड। सो डब्ल्यू नेट इज H1 माइनस H4, डब्ल्यू नेट इज टर्बाइन वर्क, दैट इज H1 माइनस H2, बिकॉज पंप वर्क इज नेग्लेक्टेड सो दैट इज द नेटवर्क, एंड दैट इज H1 माइनस H4। वी ऑल डेटा वी कैन पुट हियर एंड यू फाइंड आउट द आंसर। आई हैव द आंसर, दैट इज 14.7%। एक और क्वेश्चन पूछा है, उसने पूछा है कि टर्बाइन की आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी क्या होगी। यहां तो डेटा भरो आंसर आ जाएगा, आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी क्या होगी, इसका मतलब हमें यहां दोबारा से आना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा अगर इस टीएस डायग्राम में ये प्रोसेस आइसेंट्रोपिक होता तो, आइसेंट्रोपिक होता तो। एक्चुअल प्रोसेस इज 1 to 2 और ये आइसेंट्रोपिक होता तो इसे 2 डैश नाम दे देते हैं। तो H2 डैश कैसे निकालते, H2 डैश कैसे निकालते, पहले उसका ड्राइनेस फ्रैक्शन निकालना पड़ता S1 और H2 डैश को बराबर करके। तो H2 डैश तो निकल आया था HF प्लस X टाइम्स HFG, और यहां पे X लेना होता H2 डैश का। सो हाउ टू फाइंड आउट दिस, S1 वी कैन इक्वेट इट टू H2 डैश, S1 इज गिवन डायरेक्टली, सो S1 इज नथिंग, दैट इज इक्वल टू SG, एंड दैट इज SF प्लस X2 टाइम्स SFG। सो सारे डेटा भरते हैं हम, दैट इज गिवन 7.127,
SF, SF is 0.572. X2 हमें पता करना है एंड SFG वैल्यू इज 7.686. हियर यू कैन फाइंड आउट द X2 डैश. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X2 डैश, द ड्राइनेस फ्रैक्शन, अगर प्रोसेस आइसेंट्रोपिक होता तो. एक्चुअली है नहीं, देन यू गॉट दिस वैल्यू इज 0.852, 0.852. ओके, सो अब यहां से अपन लोग H2 डैश निकाल सकते हैं. सो H2 डैश 167.53, दैट इज 0.852 एंड HFG वैल्यू इज 2405.97. सो फ्रॉम हियर H2 डैश विल कम आउट टू 2219.45. सो माय डियर, अगर H2 डैश भी मिल गया है तो हम टरबाइन की आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी बता सकते हैं एंड दैट टरबाइन एफिशिएंसी इज H1 माइनस H2 एक्चुअल वर्क बाय टरबाइन, आइडियल वर्क बाय टरबाइन एंड यू फाइंड आउट दिस वैल्यू इज अराउंड 76.6%. आई थिंक दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. देखो थोड़ा सा लेंदी था पर चार पांच टॉपिक तो कवर हो गए ना यार. नेक्स्ट प्रॉब्लम पे बढ़ते हैं. कोई डाउट हो आप तुरंत मुझसे पूछिए या मेडी जी के टेलीग्राम पे आप सेशन के बाद पूछ सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग. सो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इजी लेते हैं. मैं चाहता हूं अगले क्वेश्चन का आंसर आप लोग करें. दिस इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम, थोड़ा सा गेट के लेवल पे आते हैं. सो अटेम्प्ट करिए जल्दी से इसको. ये क्वेश्चन होना चाहिए भाई लोगों से. ओके माय डियर, ओके. तो कंबसन चैम्बर से रिलेटेड क्वेश्चन है और कंबसन चैम्बर में एंट्री टेम्परेचर इज गिवन एंड दैट इज 127 एंड एग्जिट ऑफ कंबसन चैम्बर फ्रॉम 7 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड. कैल्फिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल इज गिवन और हमसे पूछा गया है एयर फ्यूल रेशियो. बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है. तो बहुत सिंपल, हम सब जानते हैं कंबसन चैम्बर को कैसे सॉल्व करते हैं. अगर हम कंबसन चैम्बर की बात करें सो इन कंबसन चैम्बर एयर इज एंटरिंग एंड एयर एंड फ्यूल मिक्सर इज लीविंग. और हम जानते हैं जब मिक्सर बन जाता है तो फिर उसे एयर नहीं गैस कहते हैं. एंड हियर यू सप्लाई द फ्यूल हैविंग कैल्फिक वैल्यू. सपोज देयर इज अ कंबसन एफिशिएंसी ऑल्सो. सो माय डियर, हीट बैलेंस ही तो लगाना है. लगा देते हैं इसके लिए क्विकली हीट बैलेंस. ओके, सो हीट बैलेंस लगाते हैं. सो हीट बैलेंस इज एनर्जी एंट्रिंग दैट इज मास, सीपी ध्यान रखना भैया एयर का लेना, टेम्परेचर लेट नेम दिस पॉइंट इज 1, नेम दिस पॉइंट इज 2. सो दैट इज T1. सो इतनी एनर्जी एयर के साथ इंटर हुई. यहां से फ्यूल भी एनर्जी लेके आया. कितनी? मास फ्लूइड ऑफ फ्यूल, कैल्फिक वैल्यू ऑफ फ्यूल, अगर कंबसन में लॉसेस होते तो.
और एनर्जी निकली किसकी, गैस की, एम ए प्लस एम एफ। पर गलती ना करना भैया, सीपी गैस लेना है यहां पे और टी टू। माय डियर, मैं दो काम करता हूं, फ्यूल के मास से डिवाइड भी करता हूं और डेटा भी पढ़ता हूं। ओके ओके, सो ये बन जाएगा एक्स, वेयर एक्स इज एम ए बाई एम एफ, जिसको हम बोलते हैं एयर फ्यूल रेशियो। यही पता करना है, डेटा भरते हैं। सीपी एयर गिवन इन द प्रॉब्लम, इट इज वन, इट इज वन, सीपी एयर इज गिवन वन, टी वन इज गिवन 127, सो दैट बिकम्स 400। केल्विन में भरना भी, ये डिग्री में नहीं, गलत हो जाएगा। एम एफ, एम एफ कैंसिल आउट, सीवी वैल्यू इज 41000, किलो में भरना है। कंबसन एफिशिएंसी इज नथिंग गिवन, सो दैट इज वन। एम ए प्लस एम एफ, सो दैट बिकम्स 1 प्लस एक्स। सीपी गैस इज 1.08 एंड टी टू द फाइनल टेम्परेचर आफ्टर कंबसन चैम्बर इज 727, सो दैट इज 1000, दैट इज 1000। प्लीज डू सम कैलकुलेशन, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम, जल्दी से मुझे आंसर बताइए इसका। आई थिंक दैट इज 58.7, 58.7। भाई देखो, कई लोग क्या है ना, फ्यूल के मास को निग्लेक्ट कर देते हैं, अगर ऑप्शन बहुत क्लोज हुए ना तो आप फंस जाओगे। कोशिश करें, विदाउट अजम्पशन करें। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे बढ़ते हैं। आई थिंक ऑल ओके विद दिस। क्वेश्चन नंबर फोर पे आते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, 58.7 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम माय डियर, दिस इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम, अगेन अ वेरी गुड प्रॉब्लम, गेट के लेवल का है, बिल्कुल समझ लो क्वेश्चन आ सकता है यहां पे, और आपसे गलती होती है इन क्वेश्चंस में। जल्दी से पढ़िए, अटेम्प्ट करिए इसको बहुत फास्ट। अच्छा क्वेश्चन है, ओके माय डियर, ओके, सो आई थिंक ए गैस टर्बाइन पावर प्लांट ऑपरेट्स ऑन ब्रेटन साइकिल यूजिंग अ ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो फॉर मैक्सिमम वर्क डन। और माय डियर, बस यहीं से कॉन्सेप्ट क्लियर है, मैक्सिमम वर्क डन की कंडीशन याद होनी चाहिए, उस समय का प्रेशर रेशियो याद होना चाहिए। क्या आपने आरपी ऑप्टिमम याद है, दैट इज टी मैक्स बाई टी मिन टू द पावर गामा अपॉन गामा माइनस वन इंटू वन बाई टू। और अगर आपने ये प्रेशर रेशियो याद है तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि माय डियर इससे आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दैट इज ओनली वैलिड व्हेन प्रोसेस ऑफ टर्बाइन एंड कंप्रेसर बोथ आर आइसेंट्रोपिक। माय डियर बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, छोटे छोटे जाल में फंसाता है। मतलब यार अगर याद भी हुआ ना, वैसे तो कई लोगों को सीधे याद होता है कि मैक्सिमम वर्क, W मैक्सिमम वर्क होता है CP अंडर रूट T मैक्स अंडर रूट T मिन का होल स्क्वायर। गलत हो गया भैया, ये तब लगाते हैं जब कंप्रेसर और टर्बाइन में ना आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ना हो, प्रोसेस रिवर्सिबल होना चाहिए, तब के लिए वैलिड है। यहां फंसा दिया उसने दोनों की, आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी भी दे रखा है। और अगर इन फॉर्मूलों का इस्तेमाल किए आप, याद भी हुए, वैसे तो ज्यादातर लोग याद ही नहीं करेंगे, और अगर याद भी हो तो भी गलत। थोड़ा सा जनरलाइज है, बहुत जल्दी से करते हैं। माय डियर लेट मी सॉल्व। अब ध्यान रखिएगा कि व्हेन, अब ये मैं ड्राइव नहीं कर रहा हूं, मैंने क्लास में किया है, अलग से भी बताया है, और जिन्हें नहीं पता वो रट लें।
कि व्हेन आइसेंट्रोपिक ऑफ सी टर्बाइन, आइसेंट्रोपिक ऑफ कंप्रेसर आर गिवेन, ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो में बस एक अंतर आता है जो अपन लोग टी मैक्स बाई टी मिन टू द पावर गामा अपॉन गामा माइनस वन इंटू वन बाई टू करते हैं ना, यहां पे इनका भी मल्टीप्लाई होता है। ट्रिकी वन, ट्रिकी वन, मतलब थोड़ा सा चेंज है यार, लेकिन ऑप्शन में अंदर आ जाएगा ना यार, आप तो फंस गए ना, गलत हो गया। ये होता है प्रेशर रेशियो, ड्राइव्ड है यार, बुक में भी ड्राइव्ड है, क्लास में भी, जिन बैचेस में मैंने पढ़ाया किया है। ओके, आरपी और नहीं किया यार तो याद रख लो ना, तो दैट इज 0.8, 0.8 टी मैक्स वैल्यू इज गिवन एंड दैट इज 800, सो दैट इज 1073, टी मिनिमम दैट इज 300 टू होल पावर 1.4 डिवाइडेड बाय 0.8। बहुत जल्दी से मुझे आरपी ऑप्टिमम बताइए अब, व्हाट इज द ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो, आरपी ऑप्टिमम बताइए बहुत फास्ट। आरपी ऑप्टिमम बताइए, आई थिंक दैट इज 9.3022, प्लीज वेरीफाई। प्लीज वेरीफाई दिस आंसर इज करेक्ट और इनकरेक्ट। फोर पॉइंट टू सिक्स बता रहे हैं लोग, तो आई थिंक 4.26 इज द राइट आंसर। ओके, 4.26 दैट इज इनकरेक्ट। ओके, जो भी है 4.26, 4.26। ओके, आरपी ऑप्टिमम मिल गया। अगर आरपी ऑप्टिमम मिल गया हमको, तो अब इस प्रेशर रेशियो से जो वर्क निकलेगा ना, वही आपका बेस्ट वर्क होगा या मैक्सिमम वर्क होगा। सो माय डियर, अब मुझे टीएस बनाना पड़ेगा और इन टीएस डायग्राम, सो दिस इज 1, 2s, एक्चुअल प्रोसेस इज 2, डॉटेड से बना सकते हैं इसको, ये सब हो गया भाई। ठीक है, टर्बाइन एक्चुअल प्रोसेस इज 4s एंड दिस इज द कंप्लीट साइकिल। ओके, बहुत जल्दी से सारे पॉइंटों के टेम्परेचर पता कर लेते हैं, सो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। सो टी वन इज गिवन दैट इज 300, टी टू डैश वी कैन फाइंड आउट 4.26 टू द होल पावर गामा माइनस वन अपॉन गामा। जल्दी से मुझे टी टू एस बताइए आप लोग बहुत फास्ट, टी टू एस बताइए बहुत फास्ट। आई थिंक दैट इज 453.89 केल्विन। आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेसर वी कैन यूज हियर, सो दैट इज T2S माइनस T1, T2 माइनस T1, सो हियर यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ T2। जल्दी से आप T2 बताइए मुझको, T2, प्लीज जल्दी से T2। So I think that is 492.36 केल्विन। गुड गुड गुड, सही जा रहा है।
जल्दी से, T3 हमको पता है, T3 T4S बताइए बहुत फास्ट, T3 T4S 4.26 टू द पावर गामा माइनस वन अपॉन गामा, T4S बहुत क्विकली बताइए, T4S व्हाट इज द आंसर ऑफ T4S? So that is सेवन जीरो नाइन पॉइंट टू वन. ओके एंड टर्बाइन एफिशिएंसी वी कैन यूज T3 माइनस T4, T3 माइनस T4S. यहां से आप हमें बता सकते हैं फाइनल एग्जिट टेम्परेचर T4. जल्दी से बताइए T4 बताइए मुझको. सेवन एट्टी वन पॉइंट नाइन फाइव, 781.95 केल्विन. आई थिंक ऑल टेम्परेचर्स आर नॉन, प्लीज वेरीफाई. व्हाट इज द आंसर? T4, T4 प्लीज वेरीफाई. T4 वैल्यू इज 781. ओके. सो नाउ यू कैन फाइंड आउट द नेट वर्क और यू कैन से मैक्सिमम वर्क. सो हियर योर आंसर इज सीपी, टर्बाइन वर्क इज T3 माइनस T4 एंड कंप्रेसर वर्क इज T2 माइनस T1. जो भी आए ये आपका फाइनल आंसर होगा. यहां से क्विकली आप आंसर बता दीजिए मुझको. सो व्हाट इज द फाइनल आंसर? 1073. सो आई थिंक 98.69 किलो जूल विल बी द फाइनल आंसर. वेरी गुड वेरी गुड. अगले क्वेश्चन पे आते हैं. बहुत मजेदार क्वेश्चन था ये. डेटा कुछ याद रखिएगा, जो फॉर्मूले मैंने दिए हैं ना उनको याद कर लो, ज्यादा फायदे में रहोगे आप. नेक्स्ट प्रॉब्लम पे पढ़ते हैं हम लोग. ओके. सो नेक्स्ट प्रॉब्लम अगेन अ वेरी गुड प्रॉब्लम, दिस वन प्लीज अटेम्प्ट. छोटा क्वेश्चन है, ट्रिकी वन है. क्वेश्चन बन सकता है यहां से गेट में. बैक वर्क रेशियो इज 0.66. करेक्ट आयुष, कर लेना. वो बैक वर्क रेशियो इज नेगेटिव वर्क डिवाइड बाई पॉजिटिव वर्क, कंप्रेसर वर्क डिवाइड बाई टर्बाइन वर्क. ओके. इन अ टू स्टेज कंप्रेशन, प्रेशर एट इनलेट एंड एग्जिट आफ्टर कंप्रेशन आर 1 bar एंड 16 bar. मतलब टू स्टेज का कंप्रेशन है, एंट्री शुरू होता है 1 से और फाइनली एग्जिट होता है 16 bar पे. ओके. सिलेंडर डायमीटर ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड कंप्रेसर आर 12 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर. वैसे हम जानते हैं ना, एक अंदर की बात बताऊं, पहले सिलेंडर का डायमीटर बड़ा होता है और जैसे जैसे हम आगे प्रेशर में बढ़ते हैं ना अगली स्टेजेस में, सिलेंडर डायमीटर कम होता जाता है. पर इसने पहले का
कम दिखाया है दूसरे का ज्यादा है, एग्जाम का ही क्वेश्चन है। वैसे इसने गलत किया है, लेकिन अब कर दिया तो लड़ थोड़ा ना जाओगे, उसके हिसाब से सॉल्व कर देंगे हम। सो माय डियर, मान लेते हैं, वैसे नॉलेज के लिए हमें पता होना चाहिए कि ये वाला बड़ा होना नहीं चाहिए था, इसको बड़ा होना चाहिए था, इसको छोटा होना चाहिए था। चलो आगे बढ़ते हैं। कंप्रेसर में पहला तो ट्रिक ये है कि कंप्रेशन शुरू हो रहा है फ्रॉम 1 bar, फर्स्ट स्टेज इंटरकूलिंग, एंड फाइनली P3 पे एग्जिट होंगे हम, एंड दैट इज गिवन 16 bar, 1 bar। तो हम जानते हैं इंटरमीडिएट प्रेशर कितना होता है, बहुत अच्छे से जानते हैं, P2/P1 को बराबर होना चाहिए P3/P2 के। सो फ्रॉम हियर P2 इज इक्वल टू अंडर रूट P1/P3, सो दैट इज 4 bar, सो दैट प्रेशर इज नॉन 4 bar। इसका मतलब है दूसरे कंप्रेसर में जो एंट्री होगा ना वो 4 bar पे होगा। बाकी यार बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, हम मास फ्लो रेट पहले कंप्रेसर का बराबर कर सकते हैं मास फ्लो रेट ऑफ सेकेंड कंप्रेसर। मास फ्लो रेट क्या होता है? मास फ्लो रेट होता है वॉल्यूम एक्चुअल जो पहले में एंट्री हो इनटू डेंसिटी। एंड सिमिलरली रो टू V एक्चुअल टू, बहुत अच्छे से जानते हैं रो वन जो एंट्री पे हुआ इस पॉइंट की बात हो रही है, और रो टू एक्चुअली में जो टू है वो टू नहीं होगा, टू डैश होगा, इसलिए मैं रो टू ना लिख के टू डैश लिख रहा हूं। और दूसरे कंप्रेसर का एंट्री V एक्चुअल टू डैश लिख सकते हैं, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है, वो तो दूसरे कंप्रेसर में एंट्री होने वाला एक्चुअल वॉल्यूम की बात हो रही है। सो दैट इज P1/RT1, V एक्चुअल वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू स्पीड n/60, एंड वी कैन इक्वेटेड इट। यहां पे ध्यान रखिएगा P2 मत लीजिएगा, P2 डैश, खैर दोनों बराबर हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है T2 नहीं लेना है, T2 डैश लेना है, P2 एंड P2 डैश बोथ आर सेम। एंड हियर वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ 2π/4 D2² L2 n/60। अब देखो L1 और L2 सेम बोला है, π/4 विल कैंसिल, n/60 विल कैंसिल, एंड माय डियर परफेक्ट इंटरकूलिंग T1 एंड T2 डैश आर सेम। परफेक्ट इंटरकूलिंग। तो देखो यार ज्यादातर टर्म तो कट ही गए, क्या क्या बचना है यहां पे? यहां पे बचेगा P1 वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ 1 D1² दैट्स इट, P2 वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ 2 D2² कहानी खत्म हो गई यार। बस ध्यान रखना यहां 1 bar वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ फर्स्ट कंप्रेसर इज गिवन, दैट इज 0.75, D1 इज 12, वेरी गुड, कई लोगों ने सही आंसर दिया है। P2 में 16 नहीं भरना है, 4 भरना है, क्योंकि एंट्री 4 पे हुआ है। वॉल्यूमेट्रिक ऑफ 2 25, सो नाउ यू कैन सॉल्व NV2, यू गॉट द आंसर, दैट इज 4.32%, दैट इज द फाइनल आंसर माई डियर। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर है। आयुष वेल डन, राइट आंसर अमित कुमार, करेक्ट, लगभग लगभग यार, बहुत अच्छी बात है, ज्यादातर स्टूडेंट सही आंसर दे रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे बढ़ते हैं माई डियर, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे बढ़ते हैं, एंड नेक्स्ट प्रॉब्लम इज अ थ्योरेटिकल प्रॉब्लम, जल्दी से अटेम्प्ट करना है और आपको सही आंसर करना है इस क्वेश्चन का। एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन लेके आया हूं, थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव है, मैं जल्दी जल्दी बता भी दूंगा आपको, क्योंकि यहां से थ्योरी वाला क्वेश्चन बन सकता है गेट में,
गेट थ्योरी पूछ सकता है। जल्दी से अटेम्प्ट करिए इसको और आंसर दीजिए, आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं इसके आंसर। ओके सो क्या आंसर दे पा रहे हैं आप? देखते हैं क्या इसका आंसर है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंटेक्स्ट विथ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। ठीक है, हम देखते हैं इसका आंसर। ओके, पहला पॉइंट, द क्लियरेंस हैज नो इफेक्ट ऑन वर्क डन पर केजी ऑफ एयर डिलीवर्ड। क्लियरेंस हैज नो इफेक्ट ऑन वर्क डन पर केजी ऑफ एयर डिलीवर्ड, मतलब क्लियरेंस वॉल्यूम देने से कंप्रेसर के वर्क डन में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। राइट, बिल्कुल राइट है ये। मतलब ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, मतलब यूपीएससी ने तो इसको बहुत बार पूछा है, गेट भी पूछ सकता है। क्लियरेंस देने से कंप्रेसर के वर्क डन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, बस फर्क पड़ता है नंबर ऑफ साइकिल इंक्रीज कर जाती है, मतलब ज्यादा देर तक काम करना पड़ता है, वर्क उतना ही देना पड़ता है। ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट माय डियर। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर डिक्रीज विद डिक्रीज इन इनलेट टेम्परेचर। देखो ये क्वेश्चन टेम्परेचर वाला ना, इनलेट टेम्परेचर वाला बहुत बार आया है, बहुत अच्छे से सुन लो। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला तो सब जानते हैं ना यार, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला तो सब जानते हैं, 1 + C - C P2/P1 to the whole power 1/N। पर यहां टेम्परेचर नहीं है, सुनो इनलेट टेम्परेचर से क्या इफेक्ट होता है, ये क्वेश्चन आखिर बनता कहां से? उसका जवाब है कि सबसे ज्यादा रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर यूज कहां होता है। आंसर है माय डियर, आंसर है रेफ्रिजरेशन साइकिल्स में। और रेफ्रिजरेशन साइकिल्स में जो एसी हैं आपके डोमेस्टिक लेवल पे, फ्रिज हैं, इन सब में रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का यूज होता है। इसका मतलब इनलेट टेम्परेचर और इनलेट प्रेशर जो है, कंप्रेसर जो यूज होता है रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स में, वहां पे कंप्रेसर में वेपर एंटर होती है, सेचुरेटेड वेपर एंटर होती है। इसका मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो सेचुरेशन प्रेशर भी बढ़ रहा है। देर इज ओनली वन सेचुरेशन प्रेशर करस्पॉन्डिंग टू वन सेचुरेशन टेम्परेचर। इनलेट टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब सेचुरेशन प्रेशर या इनलेट प्रेशर भी बढ़ा। यार वहीं से बनता है ये क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन नहीं, सीधे क्वेश्चन रेफ्रिजरेंट से उठाया जाता है। प्रेशर बढ़ाओगे टेम्परेचर बढ़ेगा, या वाइस वर्सा भी ट्रू है, टेम्परेचर बढ़ाओगे प्रेशर बढ़ाओगे। इनलेट वाला P1 बढ़ा, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बढ़ी, और इनलेट का टेम्परेचर कम किया, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी भी कम हुई। माय डियर, इनलेट टेम्परेचर बढ़ाओगे वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बढ़ेगी। ये क्वेश्चन बनता है रेफ्रिजरेंट से, क्योंकि सेचुरेशन प्रेशर और सेचुरेशन टेम्परेचर दोनों वाइस वर्सा एक ही रूल फॉलो करते हैं। सो माय डियर, दिस स्टेटमेंट कि वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर डिक्रीज विद डिक्रीज इन इनलेट टेम्परेचर, दैट इज अगेन करेक्ट, बहुत बार आया है यार। द वर्क डन कैन बी रिड्यूस बाई मल्टी स्टेज कंप्रेशन। वेल डन यार, हम तो जानते ही अच्छे से मल्टी स्टेज बेस्ट तरीका है कंप्रेसर के वर्क डन को कम करने का। एंड माय डियर, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर आर यूज इन हाई डिग्री ऑफ सुपर चार्जिंग। ना 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 भैया, यहाँ पे रूट ब्लोअर्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, रोटरी कंप्रेसर्स का इस्तेमाल करते हैं, ये नहीं यूज होता। मतलब स्टेटमेंट फोर्थ इज रॉन्ग ओनली, आंसर विल बी 1, 2 and 3। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था माई डियर, बहुत कुछ मैंने बोल दिया है यहाँ पे, ए इज द करेक्ट आंसर। ओके ओके, तो अब क्लियर हो गया, ए इज द राइट आंसर, वेल डन। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज क्वेश्चन नंबर 7, जल्दी से अटेम्प्ट करना है, अगेन अ ट्रिकी वन, स्मॉल प्रॉब्लम है, बहुत जल्दी से आंसर करेंगे इसको, छोटा क्वेश्चन है ये।
ठीक है. ओके, इन एयर कंप्रेसर एम्प्लॉइंग फोर स्टेज कंप्रेशन. ओके, देर आर फोर स्टेजेस. द इनलेट प्रेशर इज पी आई, दैट इज नॉट पी आई, दैट इज पी वन. ओके, एंड डिस्चार्ज प्रेशर इज पी. ओके, सो फाइनल डिस्चार्ज प्रेशर इज पी. द इंटरमीडिएट प्रेशर पी नॉट, पी टू एंड पी थ्री, पी फोर, वेयर पी टू इज ग्रेटर देन पी थ्री इज ग्रेटर देन पी ए. द टोटल प्रेशर रेशियो ऑफ द कंप्रेसर इज 18. इट मीन्स इनिशियल टू फाइनल इट इज 18. ओके, प्रेशर रेशियो. द प्रेशर रेशियो अक्रॉस ईच स्टेज इज इक्वल इफ द डिस्चार्ज प्रेशर इज 660 किलो पास्कल. इट मीन्स इनलेट प्रेशर इज ऑल्सो गिवेन. द वैल्यू ऑफ प्रेशर पी ए, इट इज नॉट पी ए, ही इज आस्किंग फॉर, प्लीज करेक्ट द क्वेश्चन, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है. प्रेशर ऑफ पी थ्री, पी थ्री उसने पूछा है, प्लीज करेक्ट. पी ए नहीं पूछा है, पी थ्री पूछा है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, सही कर लेंगे. पी थ्री बताना है, ठीक है, मतलब थोड़ा सा फंसा रखा है और मैं क्वेश्चन को करेक्ट कर देता हूं. पी टू इज ग्रेटर देन पी थ्री इज ग्रेटर देन पी फोर. ओके, तो मैं दोबारा से सही करके बोल देता हूं. इन एयर कंप्रेसर एम्प्लॉइंग फोर स्टेज कंप्रेशन द इनलेट प्रेशर इज पी वन. ओके, डिस्चार्ज प्रेशर इज पी. द इंटरमीडिएट प्रेशर्स आर पी टू पी थ्री एंड पी फोर. ये आर, ये कुछ नहीं, आर पी टू पी थ्री एंड पी फोर, वेयर पी टू इज ग्रेटर देन पी थ्री इज ग्रेटर देन पी फोर. द टोटल प्रेशर रेशियो ऑफ द कंप्रेसर इज 18. द प्रेशर रेशियो ऑफ ईच स्टेज इज इक्वल इफ द डिस्चार्ज प्रेशर इज पी इज 660 किलो पास्कल. द वैल्यू ऑफ प्रेशर पी थ्री इज, ठीक है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था, कोई बात नहीं, मैंने सही कर दिया है. अब अटेम्प्ट करेंगे, मतलब यार इनिशियल प्रेशर टू फाइनल पहुंच रहे हैं, प्रेशर रेशियो दे रखा है, फाइनल प्रेशर दे रखा है, और इंटरमीडिएट प्रेशर में कह रखा है P2, P3 और P4 है, लेकिन P2 नाम जो दिया है ना, थोड़ा सा नाम में कंफ्यूज कर रहा है, कहता बड़ा वाला P2, मतलब यार मैं ग्राफिकली समझा देता हूं, थोड़ा सा मिसप्रिंट की वजह से मजाक किरकिरा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए. देखो भैया मैं क्वेश्चन को क्लियर कर समझा दूं, कहता है वन से हम लोग चार स्टेज फॉलो करते हैं. फाइनली अपन लोग वन से पी पहुंचते हैं, ठीक है, और ये इंटरमीडिएट जो प्रेशर है, दीज आर द इंटरमीडिएट प्रेशर. सो फाइनल प्रेशर इज गिवन 660 किलो पास्कल पी वन, और इसे कह रखा है ये पी टू है, ये पी थ्री है और ये पी फोर है. आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा, ठीक है, थोड़ा सा डेटा मिसप्रिंट हो गया था, कोई बात नहीं. क्या मैं डी एक चीज फील कर पा रहे हो, 660 डिवाइडेड बाई पी वन इज गिवन, और हम जानते हैं ये होता है पर स्टेज प्रेशर राइज टू होल पावर नंबर ऑफ स्टेजेस, होल पावर नंबर ऑफ स्टेजेस, नंबर ऑफ स्टेजेस हैं फोर, नंबर ऑफ स्टेजेस आर फोर, और ये रेशियो तो हमें दे ही रखा है, दैट इज इक्वल टू 80, तो P1 ही पता चल जाएगा और K भी पता चल जाएगा. 18 इज इक्वल टू K टू द पावर 4, सो K वैल्यू इज, K वैल्यू इज 2.06. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P1? P1 is 660 divided by 18. So P1 value is 660 divided by 18. So that is 36.67. So what is the value of P4? P4 is K times P1. What is the value of P3? Is K square times P1. So K square is 2.06 square
एंड पी वन इज 36.67। सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम इज 155.6 किलो पास्कल। प्लीज वेरीफाई द आंसर्स, प्लीज वेरीफाई द आंसर्स। आई थिंक ऑल यू गॉट इट द कॉन्सेप्ट। ठीक है, छोटा सा था, नाम बदल दिए थे इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, अगेन अ वेरी गुड प्रॉब्लम फ्रॉम एक्सेल फ्लो कंप्रेसर। Got it, I think. बिल्कुल सही मुकेश शर्मा, योर आंसर इज करेक्ट। आयुष, योर आंसर इज ऑल्सो करेक्ट। राहुल कुमार, योर आंसर इज करेक्ट। वेल डन, वेल डन। जल्दी से इसको अटेम्प्ट करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्सियल फ्लो कंप्रेसर से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि कंप्रेसर गेट ने न्यूली एडिड है सिलेबस में 2016 के बाद। सो माय डियर, एक्सेल फ्लो कंप्रेसर हैज एन ओवरऑल प्रेशर रेशियो ऑफ 4, ओके, एंड द मास फ्लो रेट इज 160 केजी पर मिनट। इफ द पॉलीट्रॉपिक एफिशिएंसी इज 0.88, व्हाट इज पॉलीट्रॉपिक एफिशिएंसी माय डियर? सो पॉलीट्रॉपिक एफिशिएंसी, रिमेंबर द फॉर्मूला कि भैया ये होता है गामा माइनस 1 अपॉन गामा एल एन पी 2 बाई पी 1 डिवाइडेड बाई एल एन टी 2 बाई टी 1। और पता सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये फॉर्मूला आप एक्चुअल प्रोसेस में कोई भी दो पॉइंट सेलेक्ट करके लगा सकते हो। कैसे मैं बताता हूं, ठीक है। उसने कहा था स्टेग्नेशन प्रेशर राइज पर स्टेज मस्ट नॉट एक्सीड 25 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब हर स्टेज का प्रेशर, सॉरी स्टेग्नेशन टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और क्वेश्चन पूछ रखा है कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्टेजेस रिक्वायर्ड एंड द प्रेशर रेशियो ऑफ फर्स्ट स्टेज एंड लास्ट स्टेज, दैट इज द ट्रिकी वन। पहली स्टेज का प्रेशर रेशियो बताओ और लास्ट स्टेज का प्रेशर रेशियो बताओ, मतलब ये एक्सेल फ्लो कंप्रेसर के अंदर घुस गया है और हर स्टेज में क्या हो रहा है ये पूछ रखा है। माय डियर, पहले मुझे डायग्राम बनाने दो, तब क्लियरिटी आएगी। सो देर आर नंबर ऑफ स्टेजेस इन एक्सेल फ्लो कंप्रेसर एंड प्रोसेस स्टार्ट फ्रॉम वन एंड फाइनली 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 दिस इज द एक्चुअल प्रोसेस एंड लेट एन स्टेजेस आर देयर, सो दैट पॉइंट इज टी एन प्लस वन। भाई एक स्टेज होती तो ये पॉइंट टू होता, दो स्टेज होती तो ये पॉइंट थ्री होता, एन स्टेजेस होंगी तो ये पॉइंट टी एन प्लस वन होगा ना। नहीं तो कई लोग पूछते भाई टी एन क्यों नहीं माना, टी एन प्लस वन क्यों माना, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया टी एन प्लस वन। अगर अगर माय डियर प्रोसेस आइसेंट्रोपिक होता, सो प्रोसेस अगर आइसेंट्रोपिक होता तो ये वर्टिकल लाइन होती, इसको नाम दे देते हैं टी एन प्लस वन एस आइसेंट्रोपिक। अगर आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी दी होती ना माय डियर, तो हम ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट लेके उड़ा देते। लेकिन उसने आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ना देके पॉलीट्रोपिक एफिशिएंसी दे रखी है। अब सुनो मैं क्या कहना चाहता हूं, पॉलीट्रोपिक एफिशिएंसी का जो ये फॉर्मूला है ना जो मैंने लिखा था अभी, ये फॉर्मूला है बहुत कमाल का। अगर इस पॉइंट को मैं टू नाम दे दूं, इसको थ्री नाम दे दूं, इसको फोर नाम दे दूं एंड सो ऑन, मतलब ये जो फॉर्मूला है गामा माइनस वन अपॉन गामा एल एन पी टू बाई पी वन टी टू बाई टी वन, ये फॉर्मूला आप कोई भी दो पॉइंट चुन सकते हैं और लगा सकते हैं। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं वन और टू तो नाम है, मतलब वन से टू में भी लग जाएगा, वन से थ्री में लग जाएगा, वन से फोर में भी लग जाएगा, टू से एन प्लस वन में भी लग जाएगा, या सीधे वन से
एन प्लस वन में भी लग जाएगा, बस शर्त ये होती है, मैंने बकायदा ड्राइव किया था क्लास में, जिन्हें नहीं पता वो मान लें, पॉलीट्रॉपिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला आप कोई भी दो पॉइंटों के बीच में लगा सकते हो, क्योंकि पॉलीट्रॉपिक एफिशिएंसी इज इक्वल फॉर ऑल द स्टेजेस, आंसर सेम ही आता है। मैं सीधे वन और टी एन प्लस वन के बीच में लगा सकता हूं एन पॉली, लगा कह सकता हूं, लगा ही देता हूं मैं, वन से सीधे एन प्लस वन पॉइंट को सिलेक्ट करता हूं और इनके बीच में एन पॉली लगाता हूं, गामा माइनस वन अपॉन गामा एल एन, फाइनल प्रेशर और इसका रेशियो दिया है फोर एल एन, टी टू टी टू टी टू नहीं पता, टी वन टी वन टी वन, टी वन अगर नहीं दिया है तो लेट अस अज्यूम, नहीं दिया है तो आप लिख लो टी वन इज, यू कैन अज्यूम टी वन इज 20, टी वन नहीं दिया है तो आप इसका इनलेट टेम्परेचर ले सकते हैं एंड दैट इज इक्वल टू 288 केल्विन, इट इज गिवन, ठीक है मैं बोल देता हूं ये गिवन होना चाहिए, तो ये दिया है, ठीक है टी वन इज गिवन, क्वेश्चन में भी मैं बोल देता हूं गिवन है, बिना टी वन के नहीं हो पाएगा ना, सो दैट इज 288, इनलेट टेम्परेचर ऑफ द कंप्रेसर इज गिवन 288 केल्विन, सो नाउ यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टी टू फ्रॉम हियर, सो टी टू की वैल्यू हमें मिल जाएगी एंड दैट टी टू इज, दैट टी टू इज 451.71, क्योंकि एन पॉली दे रखा है आपको 0.88 और एयर है गामा आप भर सकते हैं, टी टू मिल गया यार। अच्छा अगर टी टू मिल गया ना, अगर टी टू मिल गया तो माय डियर डेल्टा टी टोटल भी मिल गया, डेल्टा टी टोटल क्या हो जाएगा टी टू या टी टू सॉरी टी टू नहीं लिखना चाहिए इसको, लिखना चाहिए हमें टी एन प्लस वन, मतलब फॉर्मूले में टी टू है लेकिन अब पॉइंट बदल दिए ना, तो टी एन प्लस वन मिल गया हमको, मतलब ये आखिरी वाला टेम्परेचर जो यहां पे होगा, ठीक है तो नाम में क्या रखा है टेम्परेचर तो सही है, ओके ओके, तो टी एन प्लस वन हमें मिल चुका है, तो डेल्टा टी टोटल विल इक्वल टू, डेल्टा टी टोटल विल इक्वल टू 451.71 एंड दैट इज 288, देख लो यार सीख लो इस क्वेश्चन को, ट्रिकी है, और यहां से ये डिफरेंस मिल जाएगा हमको दैट इज 163.717, अब चाहे केल्विन बोलो चाहे डिफरेंस को डिग्री सेंटीग्रेड बोलो एक ही होता है, केल्विन लिख देता हूं, और उसने क्या क्या है कि डेल्टा टी पर स्टेज कैन नॉट एक्सीड, इट मींस मस्ट बी लेस देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड, यार नंबर ऑफ स्टेजेस तो निकल ही आई, हर स्टेज में बराबर प्रेशर राइज या बराबर टेम्परेचर राइज होना है, टोटल इतना हुआ, एक स्टेज में इससे ज्यादा हो नहीं सकता, क्या मैं बोल दूं नंबर ऑफ स्टेजेस मस्ट बी ग्रेटर देन डेल्टा टी टोटल डिवाइडेड बाई डेल्टा टी पर स्टेज, पर स्टेज ग्रेटर देन इसलिए लगाया क्योंकि ये लेस देन 25 था, और सुनो यहां पे इसको केल्विन एल्विन ना बदल दियो, डिफरेंस है गड़बड़ हो जाएगा, नंबर ऑफ स्टेजेस शुड बी ग्रेटर देन 163.71 डिवाइड बाई 25 एंड योर आंसर विल बी 6.4 समथिंग 6.54, सो माय डियर नंबर ऑफ स्टेजेस आर 7, अरे 6.5 स्टेज कैसे लगाओगे यार, नंबर ऑफ स्टेजेस आर 7, 7 स्टेज होनी चाहिए, अच्छा अगर 7 स्टेजेस होंगी, अगर 7 स्टेजेस होंगी माय डियर तो फिर प्रेशर राइज 25 नहीं होगा, क्योंकि अगर 6.54 स्टेजेस होती तो हर स्टेज का प्रेशर 25 बढ़ता, लेकिन अगर 7 स्टेजेस होंगी तो हर स्टेज में एक्चुअली कितना टेम्परेचर राइज होगा वो तो निकालना पड़ेगा यार, कैसे निकालते हैं देखिए, ओके तो डेल्टा टी पर स्टेज एक्चुअल ये कितना होगा 163.71 डिवाइड बाई 7, मतलब ये आ जाएगा हमारा 23.388 केल्विन,
हर स्टेज में इतना टेम्परेचर बढ़ेगा? अरे 25 नहीं बढ़ेगा अब, वो तो लिमिटेशन था। एक्चुअली में अगर 7 स्टेजेस होंगी तो टेम्परेचर 25 से कम बढ़ेगा ना यार। अच्छा तो हर स्टेज में इतना 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 बढ़ना है, 7 स्टेजेस हैं, इनिशियल टेम्परेचर पता ही है, गिवन था क्वेश्चन में, मैं मिस कर गया था उसको लिखना, 288। तो हर स्टेज का टेम्परेचर तो निकल ही आया, क्योंकि हर स्टेज में जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ, यार मैं 7 स्टेजेस का टेम्परेचर तो बता ही सकता हूं। 7 स्टेजेस है ना, देखो, फर्स्ट, सेकेंड स्टेज, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड द लास्ट स्टेज इज 7th। देखो ये हमें बताया 288 केल्विन, इसमें जोड़ दो 23.88 जोड़ दो, 23.388, दैट इज 311.38। इसमें भी जोड़ दो 23 पॉइंट, दैट डेटा दैट इज 334.77। इसमें फिर से जोड़ दो 358.16। अगेन आप ऐड करते जाइए ऐड करते जाइए, लास्ट टू स्टेजेस में आएगा 428.32 और यहां पे आएगा 451.71। ये भी निकाल सकते हैं। अब एक्चुअली उसने पूछा है पहली स्टेज का प्रेशर राइज बताओ। यार एक बार बताओ, ये पॉइंट है 1, ये पॉइंट है 2, हम इन दोनों के बीच में एन पॉली लगा सकते हैं और पहली स्टेज का प्रेशर राइज बता सकते हैं। लास्ट स्टेज हम ये दो पॉइंटों को सिलेक्ट कर सकते हैं, नाम तो दे ही रखे हैं अपन ने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। मैं 1 से 2 सिलेक्ट करके एन पॉली लगा सकता हूं। अरे बेटा तुम 2 से 3 भी, मैं दूसरी स्टेज का भी प्रेशर राइज बता सकता हूं। और तो छोड़ो, आप फर्स्ट से फिफ्थ सेलेक्ट कर लो, पहले से पांचवें, इन सारी स्टेज के बीच में सीधे 1 to 5 में एन पॉली लगा सकते हो। और ये भी बता सकते हो कि शुरुआत की 5 स्टेजेस में कितना प्रेशर राइज बढ़ा, पर उसने पूछा नहीं ना यार। तुम तो ये भी बता सकते हो कि बीच की 3 से 6 तक की स्टेजेस में कितना प्रेशर बढ़ा। ये पॉलीट्रोपिक एफिशिएंसी है ना, कमाल की होती है यार माय डियर। लगा देते हैं, गामा माइनस 1 अपॉन गामा एल एन, देखो यही तो है आरपी फर्स्ट, यही तो पता करना है। एल एन टेम्परेचर तो दोनों पता ही है हमको, 311.38 डिवाइडेड बाई 288। एंड माय डियर पहली स्टेज का प्रेशर राइज निकल आया, पहली स्टेज का प्रेशर राइज निकल आया एंड योर आंसर विल बी 1.27। दूसरी स्टेज का भी निकाल सकते हो आप, तीसरी का भी निकाल सकते हो आप, लास्ट स्टेज का पूछा है इसलिए मैं पॉइंट सेलेक्ट कर लेता हूं 7 to 8। इनके बीच में लगा देते हैं एन पॉली लगा सकते हैं एंड दैट इज गामा माइनस 1 अपॉन गामा एल एन आर पी लास्ट। एल एन दोनों टेम्परेचर पता है, 451.71 डिवाइड बाई 428.32। जल्दी से आरपी लास्ट भी बता दीजिए, आई थिंक 1.17 के आसपास आता है। और मैडी आप करके देख लेना, एक रिजल्ट याद ही रखो, जैसे जैसे आगे वाली स्टेजेस में बढ़ते जाते हो ना, हर स्टेज का प्रेशर राइज कम होता जाता है। देखो लास्ट वाला काफी कम आया है, पहला वाला काफी ज्यादा था, दूसरा वाला इससे कम होगा, तीसरा इससे कम होगा, चौथा कम होगा, लास्ट वाला सबसे कम होगा। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीट्रॉपिक एफिशिएंसी इज क्लियर, हर स्टेज के लिए एफिशिएंसी सेम ही रहती है। कोई भी दो पॉइंट सेलेक्ट करो, लगा दो फॉर्मूला, या समझो ये एफिशिएंसी तो आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी से भी आसान है। अगर ये दे दिया ना तो बहुत बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चन। ओके, सो माय डियर आई थिंक यू ऑल गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत जल्दी से आंसर करिए।
ए सिक्स थ्रो वेलोसिटी कंपाउंडेड स्टीम टर्बाइन डेवलप अ टोटल वर्क आयो, उससे भी कर सकते हैं आप, नो इशू। ए सिक्स रो वेलोसिटी कंपाउंडेड स्टीम टर्बाइन डेवलप अ टोटल इतना वर्क, व्हाट इज द पावर डेवलप्ड इन लास्ट रो? ट्रिकी वन, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर। अमित कुमार यू आर राइट, अमित कुमार ने भाई बहुत जल्दी आंसर दे दिया, वेल डन। ओके ओके ओके, देखो माय डियर, कई लोग जानते हैं दो स्टेज तीन स्टेज के लिए तो कर सकता है, लेकिन उसने सिक्स रो दे दी तो फंस सकते हो। एक फॉर्मूला याद रखो, सीधे रट लो, ड्राइव भी किया जा सकता है इसको। दो चीजें याद रखो, एन रो वेलोसिटी कंपाउंडेड इंपल्स के लिए आप याद रखना रो ऑप्टिमम होता है। रो ऑप्टिमम मतलब जो आपका स्पीड रेशियो होता है वो ऑप्टिमम कितना होता है, मतलब यू डिवाइड बाई वी वन का रेशियो जो होता है वो ऑप्टिमम होता है कॉस एल्फा बाई टू एन। एक तो ये कंडीशन याद रखो, ये भी पूछ सकता था, उसने पूछा नहीं, बस मैंने ऐसे ही बता दिया, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। और याद रखना लास्ट रोटर वर्क याद रखो, लास्ट रोटर वर्क, लास्ट रोटर वर्क होता है माय डियर 2 to the power n डब्ल्यू टोटल। डब्ल्यू टोटल को एन स्क्वायर, सॉरी कई बुक में टू टी वो बताना है मुझे, एन 2 to the power n बोल देते हैं, वो गलत है, करेक्ट होता है एन स्क्वायर। इस फॉर्मूले को याद रखिए, इस फॉर्मूले से आप एक लाइन में निकाल सकते हैं, एनएथ रोटर वर्क भी बोल सकते हैं, लास्ट रोटर वर्क भी बोल सकते हैं, या लास्ट वर्ड ना लिख के एनएथ रोटर वर्क बोल देता हूं मैं, एनएथ रोटर वर्क। अब हमें लास्ट पूछा है तो हम यहां पे क्या भर देंगे, 1 2 8 00, मतलब तीसरे का भी बता सकते थे, चौथे का भी बता सकते थे, सबका बता सकते हैं यार, पहले का भी बता सकते हैं, पहले में ना लगी हुई बस ये फॉर्मूला, पहले में तो गड़बड़ हो जाएगा ना यार। ओके, सो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, सो द फाइनल आंसर इज 355.55। ओके, सो रिमेंबर दिस फॉर्मूला, डब्ल्यू टोटल एनएथ रोटर वर्क इज डब्ल्यू टोटल डिवाइड बाई। अच्छा एक रेशियो भी याद रखते हैं, दो स्टेजेस के लिए पहली स्टेज और दूसरे का रेशियो होता है 3:1, तीन स्टेजेस के लिए पहली स्टेज दूसरी स्टेज तीसरी का रेशियो होता है 5:3:1, चार स्टेजेस के लिए 7:5:2, वो बना यहीं से है फॉर्मूला, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखो, आखिरी रोटर के लिए फटाक से डेटा भरो, निकल आएगा। आगे बढ़े, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओगे, कोई डाउट हो भाई पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एंड दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्विकली क्विकली गेट में ऐसे ही आता है, ट्रिकी वन, ट्रिकी वन, बहुत फास्ट, जल्दी से बताएं। मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ एन इंपल्स टर्बाइन विथ ब्लेड फ्रिक्शन फैक्टर 0.8, नोजल एंगल इज 45 डिग्री। याद होना चाहिए यार, गेट में टर्बाइन सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन ये वाले क्वेश्चन दो तीन बार आ चुके हैं, मैं सीधे लिख देता हूं। एन मैक्सिमम का फॉर्मूला होता है, एन मैक्सिमम का फॉर्मूला होता है, याद होना चाहिए,
कई लोगों को याद होता है कॉस स्क्वायर अल्फा, लेकिन ये करेक्ट नहीं है, इसमें अजम्पशन है। पूरा फॉर्मूला होता है 1 प्लस kx/2, वेयर एक्स इज कॉस फाई डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। अभी सब क्लास नोट्स में बता चुका हूं थीटा क्या है और फाई क्या है। ब्लेड एंगल एट आउटलेट, ब्लेड एंगल एट इनलेट, थीटा है इनलेट का, फाई है आउटलेट का। अब ये फॉर्मूला लगता है, ठीक है, अल्फा वेयर नोजल एंगल है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको आंसर कर देना चाहिए अभी तक। कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, 1 प्लस, के वैल्यू इज गिवन 0.8, एक्स इज नॉट गिवन। पर हमें याद होना चाहिए जब भी एक्स ना दिया हो, एक्स का मतलब है कॉस फाई कॉस थीटा नहीं दिया हो, हम इक्यू एंगुलर ब्लेड मान सकते हैं। तो यहां पे हम अज्यूम करने वाले हैं, लेट अस अज्यूम इक्यू एंगुलर ब्लेड होते भी है, सो दैट वैल्यू इज 1/2। बहुत जल्दी से आंसर आ जाना चाहिए आपका। द आंसर इज कितना आ रहा है भैया, पॉइंट फोर फाइव। द आंसर इज 0.45 और यू कैन से 45%। इज दैट क्लियर? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। 45% इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं भाई, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। ओके, नेक्स्ट 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 भी मिलता जुलता क्वेश्चन है, बहुत जल्दी से आंसर करेंगे आपका। ये पार्सन से है क्वेश्चन, वो इंपल्स से था, ये भी क्वेश्चन गेट में बहुत बार आ चुका है, सीधा सीधा क्वेश्चन है, सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। सो रो ऑप्टिमम भी पूछ सकता है, लास्ट केस में मैं रो ऑप्टिमम बताना भूल गया, इंपल्स के लिए याद रखना रो ऑप्टिमम होता है कॉस अल्फा बाई 2। रो ऑप्टिमम का मतलब स्पीड रेशियो की ऑप्टिमम वैल्यू, और यहां पे होता है रो ऑप्टिमम कॉस अल्फा। फिलहाल जल्दी से कर देते हैं, ये तो रटा ही होता है यार, क्या होता है जल्दी से बताओ उसको। क्या आपको पता है एन मैक्स फॉर पार्सन इज 2 cos² alpha / 1 + cos² alpha। सीधे आंसर करो, आंसर इज 40%, आंसर इज 40%। सो डी इज द राइट आंसर। सुमित कुशवाहा जी, आपका आंसर 1 से ज्यादा कैसे आ सकता है माय डियर, 1 से ज्यादा कैसे आ सकता है? फोर्टी परसेंट इज द राइट आंसर। राइट, सीधे याद रखिएगा भाई, टर्बाइन सिलेबस में नहीं है लेकिन गेट में ये क्वेश्चन आ चुके हैं 2-3 बार। जल्दी से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम इज दिस वन। बहुत जल्दी से, ये ट्रिकी क्वेश्चन है, जो गेट में इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा प्रेफर किए जाते हैं, आपको बताना है। 2 मिनट दे रहा हूं। सो द कंबाइंड वेलोसिटी डायग्राम फॉर आर रोटेटिंग मशीन इज सॉन बिलो। कंबाइंड वेलोसिटी डायग्राम दे रखा है एक रोटेटिंग मशीन का। अब रोटेटिंग मशीन का मतलब टर्बाइन भी हो सकता है, कंप्रेसर भी हो सकता है। कह रहा है द रोटेटिंग मशीन में बी, कौन सी हो सकती है?
इम्पल्स टरबाइन है ये, रिएक्शन टरबाइन है जिसका डिग्री ऑफ रिएक्शन 50% नहीं है, या पार्सन टरबाइन है, पार्सन का मतलब डिग्री ऑफ रिएक्शन 50% है, या कह रहा है एक्सियल फ्लो कंप्रेसर हो सकता है, इनमें से कौन है पहचानो, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, बेहतरीन क्वेश्चन है ये। ओके माय डियर, ओके सुनो, देखो ध्यान से, एक लाइन में पता चलता है, मेरी बात सुन लेना ध्यान से। देखो सबसे पहले देखा करो एक्चुअल वेलोसिटी को, V1 और V2 को देखो, नाम तो जानते ही ना क्लास नोट से यार, V1 और V2 में बड़ा कौन है? V2 बड़ा है V1 से। अगर V2 बड़ा है V1 से ना, मतलब इनलेट पे वेलोसिटी कम है, आउटलेट पे वेलोसिटी ज्यादा है। माय डियर आंखें मीच के बोल देना, कंप्रेसर में, ये कंप्रेसर का केस है यार। अगर V1 बड़ा होता V2 से, क्योंकि टरबाइन में आप एनर्जी निकालते हो, कंप्रेसर में आप फ्लूड को एनर्जी देते हो, तो वेलोसिटी बढ़ जाती है, देन फर्दर वी कन्वर्ट दैट काइनेटिक एनर्जी इनटू द प्रेशर एनर्जी इन द डिफ्यूजर। तो रोटर में हमेशा कंप्रेसर के लिए वेलोसिटी बढ़ती है। केवल इतना देख के मैं बता सकता हूं कंप्रेसर है। और अगर V1 बड़ा होता V2 से तो मैं बता सकता था ये टरबाइन है। अच्छा फिर कंप्रेसर है, और वो हम कंप्रेसर में जानते हैं डाइवर्जिंग पैसेज आर यूज्ड, तो ऐसे ही बिना देखे भी बता सकते हैं कि डाइवर्ज करेगा तो रिलेटिव वेलोसिटी कम हो जाएगी। VR1 बड़ा होना चाहिए, VR2 छोटा होना चाहिए। और देखो सिमेट्री लग रहा है, तो मैं तो ये भी बता सकता हूं ये 50% डिग्री ऑफ रिएक्शन वाला एक्सेल फ्लो कंप्रेसर है। द फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी। भैया बहुत डिटेल में समझाया था क्लास में, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर, और बहुत अच्छी बात है, कई सारे स्टूडेंटों ने सही आंसर दिया है, वेल डन। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे बढ़ते हैं, एंड दैट इज द प्रॉब्लम कंप्रेसिबल फ्लो से। मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूं, लेंदी नहीं है, IFS का है, 20 मार्क का, लेकिन कर लेते हैं क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट एक ही बार में कुछ क्लियर हो जाएंगे। बहुत जल्दी से क्वेश्चन को पढ़िए, मैं सॉल्व करता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, डायबेटिक फ्लो ऑफ ड्राई एयर टेक्स प्लेस थ्रू अ फ्रिक्शन लेस कॉन्स्टेंट एरिया डक्ट। ओके सो देयर इज नो फ्रिक्शन, फर्स्ट पॉइंट, एंड सम पर्टिकुलर सेक्शन इन द डक्ट मैक नंबर इज 4, व्हाइल द स्टैग्नेशन टेम्परेचर एंड स्टैटिक प्रेशर आज गिवन, दिस वन दिस वन। कैलकुलेट द स्टैग्नेशन टेम्परेचर, स्टैटिक एंड स्टैग्नेशन प्रेशर एट द सेक्शन वेयर मैक नंबर इज 2। ओके ऑल्सो फाइंड आउट द हीट ट्रांसफर। अच्छा, मतलब फ्रिक्शनलेस डक्ट है और हीट ट्रांसफर हो रहा है। कैन यू फील, दिस इज द केस ऑफ रिले फ्लो, दिस इज द केस ऑफ रिले फ्लो। रिले फ्लो है भैया, रिले फ्लो का रूल है ना यार, नो फ्रिक्शन विथ हीट ट्रांसफर इन कॉन्स्टेंट एरिया डक्ट। फैनो फ्लो होता है, कॉन्स्टेंट एरिया डक्ट विथ फ्रिक्शन, एडियाबेटिक फ्लो, मतलब हीट ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। और रिले फ्लो से क्वेश्चन आया है, ठीक है, तो बहुत जल्दी से मैं कर देता हूं, ज्यादा बड़ा नहीं है, लेंदी नहीं है। सो दिस इज द कॉन्स्टेंट एरिया डक्ट एंड एट दैट सेक्शन लेट अस अज्यूम 1, और इसको मान लेते हैं 2। अब आप देखिए यहां पे कौन कौन से डेटा दे रखे हैं, आपको दे रखा है M1 इज 4, P1 इज गिवेन, स्टैटिक प्रेशर इज गिवेन 0.5 bar, एंड T01 स्टेग्नेशन टेम्परेचर इज गिवेन 280 केल्विन। और हमें पता है कि एग्जिट का एक डेटा देना जरूरी है, गवर्निंग इक्वेशन 6 होती है, अननोन 7 होते हैं, तो अगर एक गिवेन हो तो इक्वेशन और अननोन सेम हो जाते हैं, एक ही सोल्यूशन निकलता है। वैसे तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं फैनो और रिले फेलो दोनों के,
फिलहाल 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 अब देखो यहां पे M2 दे दिया है, मतलब 2। अच्छा मैक नंबर कम हो रहा है, हम ऐसे ही बता सकते हैं ये कांस्टेंट एरिया डक्ट डिफ्यूजर की तरह काम कर रही है, वेलोसिटी कम होगी इसमें। फिलहाल बाकी चीजों को सॉल्व करते हैं। अच्छा यहां पे हीट ट्रांसफर भी हो रहा है, हीट ट्रांसफर हो रहा है या तो सप्लाइड हो रहा होगा या रिजेक्ट हो रहा होगा, निकालना पड़ेगा वो। तो बहुत आराम से पहले हम लोग सेक्शन वन को सॉल्व करते हैं। क्या सेक्शन वन के लिए स्टैगनेशन वन को हम बोल सकते हैं H1 + V1² / 2। यहां दोनों तरफ H1 डिवाइड कर सकते हैं और ये हो जाएगा हमारा T01/T1। यहां से एक फॉर्मूला बनता है और इसको H1 को लिख सकते हैं CP T1, और CP T1 का मतलब होता है अंडर रूट गामा RT को C कहते हैं। तो अगर यहां पे सारे टर्म्स को हम इंट्रोड्यूस करें तो एक फॉर्मूला बन जाता है, और ये फॉर्मूला मैं आपके लिए सीधे लिख देता हूं, और जो कि क्लास में ट्राइव भी किया होगा कि 1 + γ-1/2 मैक नंबर का स्क्वायर। ये आप यहां से निकल आएगा, आप डेटा वेटा पुट करिएगा हो जाएगा, पर सीधे याद रखो स्टैग्नेशन टेम्परेचर से स्टैटिक टेम्परेचर तुरंत निकल आता है इस फॉर्मूले से। 1 के लिए भी निकल सकता है, 2 के लिए भी निकल सकता है, किसी भी सेक्शन पे आप इसे लगा सकते हैं। ये दिया है 280। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T1? T1 वैल्यू हमें पता करनी 1 + 1.4 - 1/2 एंड मैक नंबर इज 4। यहां से इनलेट का एक्चुअल टेम्परेचर या स्टैटिक टेम्परेचर निकल आएगा, और जो कि डेटा है मेरे पास दैट इज 66.66। सो T1 इज नॉन एंड बिटवीन 1 to 2, बिटवीन 1 to 2 हम लगा सकते हैं मोमेंटम इक्वेशन, और हम सब जानते हैं मोमेंटम इक्वेशन होता है P1 - P2 * A एंड दैट इज मास फ्लो रेट एंड V2 - V1। वही यार, मोमेंटम से आपने कई बार फोर्स निकाला होगा, वही तो इक्वेशन है। ओके सो फ्रिक्शन है नहीं तो कोई फोर्स तो लगेगा नहीं। अगर फैनो फ्लो में होता तो यहां पे मैं एक फोर्स और ऐड करता, बट इट इज द केस ऑफ रिले फ्लो, नो फ्रिक्शन एट ऑल, सो देयर इज नो फोर्स। ओके सो यहां से हम लिख सकते हैं P1 - P2 A, मास फ्लो रेट को लिख सकते हैं हम रो ए वी V2 - V1। अब रो वी मैंने इसलिए लिखा क्योंकि एरिया तो कांस्टेंट है और कंटिन्यूटी के हिसाब से ρ1 A1 V1 ρ2 A2 V2 के बराबर होता है। इसका मतलब हम P1 A से A कैंसिल हो जाएगा और यहां लिख सकते हैं ρ1 V1 स्क्वायर, यहां बोल सकते हैं P2 ρ2 V2 स्क्वायर। यहां से आप P1 कॉमन ले सकते हैं एंड दैट बिकम्स 1 + ρ1। P1 को लिख सकते हैं हम, P को लिख सकते हैं हम ρ1 RT1 V1 स्क्वायर, P2 कॉमन ले सकते हैं 1 + ρ2, इसको लिख सकते हैं ρ2 RT2 V2 स्क्वायर। आप यहां से एक फॉर्मूला याद रख सकते हैं दैट P2 / P1 = क्योंकि हम मैक नंबर बन जाएगा, एक गामा से डिवाइड करेंगे, एक गामा से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये फॉर्मूला आप सीधे याद रख लेंगे एंड दैट फॉर्मूला इज P2 / P1 = 1 + γ·1² / 1 + γ·2²। जैसे यहां आप डेटा भरेंगे तुरंत आपको P2 मिल जाएगा क्योंकि P1 तो पता ही है, तो मैं निकाल भी देता हूं। P1 इज 0.5, डेटा भरते हैं दैट इज 1.4, 4² 1 + 1.4 2² सो फ्रॉम हियर यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ P2 दैट इज 1.7727 बार।
देखो यार, मैं फॉर्मूले ड्राइव नहीं कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि ये फॉर्मूले आए कहाँ से, ठीक है? इसलिए परेशान ना हो। P2 मिल चुका है हमको, यस माय डियर, P2 मिल चुका है। और अब हम यहाँ से कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा सकते हैं, रो ए वी वन बराबर रो ए वी टू, और यहाँ रो की वैल्यू को लिख सकते हैं हम P1 अपॉन RT1, ए विल कैंसिल V1, ये हो जाएगा हमारा P2 अपॉन RT2 V2। एक गामा डिवाइड कर सकते हैं, गामा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या दोनों तरफ गामा गामा लिख सकते हैं। अंडर रूट गामा RT को हम लिख सकते हैं C, और V डिवाइड बाई C को हम लिख सकते हैं मैक नंबर। अब यहां से जो फॉर्मूला बनता है, कई लोगों को पता है, कई लोगों को नहीं पता है, तो आप याद कर सकते हैं। यहां से निकल के आएगा T2 by T1 इक्वल टू P2 by P1 का स्क्वायर इंटू M2 by M1 का स्क्वायर। डेटा भरना है, T1 आपको पता है, सो यहां से आपको T2 मिल जाएगा। T1 अभी निकाला था अपन ने 66.66, P2 इज ऑल्सो नॉन 1.7727, दैट इज 0.5 स्क्वायर, एंड दैट इज 2 डिवाइड बाई 4 स्क्वायर। यहां से आप T2 बता सकते हैं, एंड दैट T2 वैल्यू इज 209.47। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ T2। T2 है पता, M2 है पता, T02 बता सकते हैं आप। वही फॉर्मूला, 1 प्लस मैक नंबर 2 का स्क्वायर। सो डेटा भर देते हैं, T02, T2 इज 209.47, 1 प्लस मैक नंबर 2 इज 2। सो फ्रॉम हियर यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ स्टैग्नेशन टेम्परेचर एट 2, एंड दैट इज 377.05। और माय डियर, T02 पता है, T2 पता है, P2 पता है, P02 पता कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी पॉइंट से उसका स्टैग्नेशन पॉइंट जुड़ा होता है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस से। सो वी कैन राइट T02 डिवाइड बाई T2 टू दी होल पावर गामा अपॉन गामा -1 इज इक्वल टू P02 बाई P2। सो फ्रॉम हियर यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ P02 ऑल्सो, और यहां से ये मिलेगा 13.87। ये भी पूछा था, फिर आप 1 से 2 के बीच में लगा सकते हैं एस एफ ई H1 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2 इजकल टू H2 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2, और हीट ट्रांसफर मत भूलना, हीट ट्रांसफर भी है। अच्छा, इसे लिख सकते हैं हम H01, इसे लिख सकते हैं H02, तो हीट ट्रांसफर और कुछ नहीं, H02 माइनस H01 हो जाएगा। H02 माइनस H01 दैट इज CP T02 माइनस T01। डेटा भर सकते हैं हम यहां पे, सो यू गॉट द वैल्यू ऑफ Q इज 97.48। ओके, सो दैट इज द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर, एंड अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो हम हीटिंग कर रहे हैं। इसका मतलब एक कांस्टेंट एरिया डक्ट में अगर फ्लो सुपरसोनिक होगा और हम हीट ट्रांसफर करेंगे, हीट एडिट करेंगे, तो वेलोसिटी कम होती है। प्रोसेस को हम दिखा भी सकते हैं TS डायग्राम में, क्योंकि आप अच्छे जानते हैं दैट इज द हियर मैक नंबर इज 1, हियर मैक नंबर इज 1 अपॉन अंडर रूट गामा, और ये होता है सबसोनिक रीजन, ये होता है सुपरसोनिक रीजन।
तो प्रोसेस सुपरसोनिक में है, मैक नंबर कम हो रहा है. सो दिस इज द प्रोसेस 1 2 2 एंड दिस डिवाइस बिहेव्स लाइक अ डिफ्यूजन. सो माय डियर दैट्स ऑल यार, एक्चुअली एक्सप्लेन करने का समय नहीं है ना. जिन्होंने क्लास नोट्स अच्छे से पढ़े हैं उन्हें समझ में आ गया होगा. सो माय डियर दिस इज द प्रोसेस डायग्राम ऑल्सो. सो आई होप यहां तक क्लियर है. कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं. ऑल ओके. अच्छा ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर हीटिंग करेंगे तो इधर जाते हैं, कूलिंग करते तो ऐसा प्रोसेस होता, तो मैक नंबर और बढ़ जाता फोर्स से. अगर सबसोनिक की बात होती तो हीटिंग करने से वेलोसिटी बढ़ती, कूलिंग करने से वेलोसिटी कम होती. खैर ये सब क्लास में डिस्कस हो चुका होगा. आई होप दैट्स ऑल. आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं यार, तो सारे टॉपिक टच हो गए. एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ बहुत फास्ट. सो लास्ट क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, एमएस क्यूब टाइप है भाई, एमएस क्यूब टाइप क्वेश्चन है. इसका आंसर देते हैं अगेन कंप्रेसिबल फ्लूइड से ही है क्वेश्चन. जल्दी से आंसर बताओ सोच समझ के. एमएस क्यूब टाइप मैंने मेंशन कर रखा है, इसका आंसर देना है आपको जल्दी से. एनीवन क्विकली, पहले तो जरा क्वेश्चन को पढ़ो. सुपरसोनिक एयर इंटर्स एन इंसुलेटेड कॉन्स्टेंट एरिया डक्ट. सुपरसोनिक है, इंटर हो रही है कॉन्स्टेंट एरिया डक्ट में एंड इंसुलेटेड है, मतलब देर इज नो हीट ट्रांसफर बट देर इज अ फ्रिक्शन. क्या समझ गए? दिस इज फैनो फ्लो. अच्छा लास्ट क्वेश्चन रेले फ्लो का था, ठीक है ये फैनो फ्लो का है, थ्योरिटिकल बनाया उसने, जबरदस्त क्वेश्चन है. कह रहा है सुपरसोनिक एयर एक कॉन्स्टेंट एरिया डक्ट में इंटर हो रही है, तो कहता है क्या होगा अगर फ्रिक्शन है तो स्टैग्नेशन प्रेशर हो क्या होगा, स्टैटिक प्रेशर हो क्या होगा. बहुत जल्दी से मैं इसका आंसर करता हूं. एमएस क्यूब है भैया, एमएस क्यूब है राहुल कुमार. देखो देखो देखो, पहले तो फैनो फ्लो का कर्व पता होना चाहिए, जिन्हें नहीं पता पता कर लें. फैनो फ्लो का कर्व कैसा दिखता है? फैनो फ्लो का कर्व कैसा दिखता है? फैनो फ्लो का कर्व होता है दिस वन, हियर मैक नंबर इज वन, दिस इज द टीएस डायग्राम. ये फैनो फ्लो का कर्व है. अब सुपरसोनिक है मतलब ये ऊपर वाला सबसोनिक रीजन होता है, ये नीचे वाला सुपरसोनिक रीजन होता है, ठीक है. और माय डियर एक ही बात है, सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं मैं. प्रोसेस केवल या तो ये होगा 1 से 2 या 3 से 4 होगा. 4 से 3 नहीं हो सकता क्योंकि एडियाबेटिक है, एडियाबेटिक है. एंट्रोपी केवल और केवल एक ही ऑप्शन है, इंक्रीज कर सकती है. अच्छा लास्ट क्वेश्चन में दोनों प्रोसेस पॉसिबल थे क्योंकि आप हीट ट्रांसफर कर रहे थे, एंट्रोपी बढ़ भी सकती थी घट भी सकती थी, लेकिन इस क्वेश्चन में कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि 2 से 1 इधर आ जाए यारो ना, हमेशा या तो ये इधर ही जाएगा और ये वाला भी इधर ही जाएगा. या तो दिख ही रहा है मैक नंबर हमेशा 1 की ओर अप्रोच करेगा. पता क्या कहना चाह रहा हूं, अगर सब सोनिक इंटर कराओगे एक डक्ट में इंसुलेट करके वेलोसिटी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, सोनिक हो जाएगी बस, फिर कुछ नहीं होगा, चोक्ड फ्लो हो जाएगा. और अगर सुपरसोनिक इंटर कराओगे कॉन्स्टेंट एरिया डक्ट में इंसुलेट करके तो वेलोसिटी घटती जाएगी घटती जाएगी घटती जाएगी, मैक नंबर फिर से 1 अचीव हो जाएगा बस, फिर कुछ नहीं होगा. मतलब कुल मिला के ये है कि अगर कॉन्स्टेंट एरिया डक्ट में आप सबसोनिक इंटर कराओगे, एडियाबेटिक होना जरूरी है, तो वेलोसिटी बढ़ेगी. सुपरसोनिक इंटर कराओगे तो वेलोसिटी कम होगी. अच्छा एक चीज तो ठीक है, वेलोसिटी कम होगी, स्टैग्नेशन टेम्परेचर सेम रहेंगे क्योंकि यहां पे H1 V1 स्क्वायर बाई 2 H2
वी टू स्क्वायर बाई टू ये बराबर होगा क्योंकि हीट ट्रांसफर हो नहीं रहा है। इसका मतलब है एच नॉट वन बराबर एच नॉट टू, इसका मतलब है टी नॉट वन बराबर टी नॉट टू, मतलब प्रोसेस यही होने वाला है। अब आप देख लो क्या क्या हो रहा है यार, बताओ 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 बताओ। स्टैटिक प्रेशर बढ़ने वाला है, स्टैटिक प्रेशर बढ़ने वाला है, स्टैटिक प्रेशर बढ़ेगा, स्टैग्नेशन प्रेशर कम होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, स्टैग्नेशन टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहेगा, वेलोसिटी कम होगी, बिहेव करेगा लाइक अ डिफ्यूजर, एंट्रोपी बढ़ेगी, प्रेशर बढ़ेगा, स्टैग्नेशन प्रेशर कम होगा, स्टैग्नेशन टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहेगा। अरे ये देखो ना यार। सो माय डियर आंसर देखते हैं, स्टैग्नेशन प्रेशर डिक्रीजेस, बिल्कुल करेक्ट है भाई, ए इज राइट। स्टैटिक प्रेशर इंक्रीजेस, दैट इज अगेन राइट। कॉन्स्टेंट एरिया डक बिहेव्स लाइक अ नोजल, ना 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 ना, वेलोसिटी कम होगी, ये रॉन्ग है, वेलोसिटी तो कम होगी। स्टैग्नेशन टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट, दैट इज अगेन करेक्ट। सो द फाइनल आंसर इज ए बी एंड डी। एमएस क्यूब था ना भैया, एमएस क्यूब था। सो आई थिंक दैट इज द राइट आंसर, ए बी डी। थोड़ा सा रिवाइज वाइज करिए यार, आई थिंक ये पावर प्लांट का सेशन ओवर हुआ, मैंने लगभग सारे टॉपिक्स को टच किया है। जो भी आज की क्लास में डाउट आए हों आप टेलीग्राम चैनल पे मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वहां पर रिप्लाई कर दूंगा। आप थोड़ा सा रिवाइज करिएगा बढ़िया से, फिर डाउट पूछिएगा तो मजा आएगा। आप केवल क्वेश्चन देखे और डाउट पूछ दे कोई सेंस नहीं, अटेम्प्ट करके फिर पूछेगा। तो चलिए गाइस ओवर करते हैं क्योंकि आपके प्रोडक्शन का भी टाइम होने वाला है, प्रोडक्शन में सुरेश सर आ रहे हैं लाइव बहुत जल्दी से, टाइम इज अराउंड 6। ओके सो माय डियर बेस्ट विशेस, टेक केयर, रिवाइज करिए बहुत बढ़िया से, पढ़ाई करिए। मेरा नंबर लगभग सबके पास है या टेलीग्राम चैनल में मैं जुड़ा हुआ हूँ, जो भी डाउट आए मेरे सब्जेक्टों से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। बाय बाय, बेस्ट विशेस, थैंक यू, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।